हाय फ्रेंड्स, देसी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं छोटे मटर से भरवा बनाने जा रही हूँ। ये मोस्टली ये बिहार में बनता है भवरा, जिसमें आप ये छोटे मटर की जगह पे काला चना भी यूज कर सकते हैं। रात में भिगो दे, सुबह तक वो फूल जाएगा और फिर उससे हम भवरा तैयार करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हमने एक कटोरी ली है, उसमें ये भिगोया हुआ जो फूला हुआ हमारा छोटा मटर है ये हम डाल लेंगे। ये मटर हमने कटोरी में डाल ली है। अब हमें भवरा बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये हमने प्याज, एक प्याज को बारीक काट लिया है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, नमक है और बेसन है। तो चलिए हम सबको मिक्स करके पहले मिक्सर तैयार करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बेसन डालेंगे, उसके बाद कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, मैंने 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे। मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है। मिर्ची भी आप जैसा चाहें कम ज़्यादा यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। अब हम इन सबको हल्का हल्का पानी डाल के हम हाथों से मिक्स करेंगे। अगर जैसे कि अगर मान लो आपसे पानी इसमें ज़्यादा चला जाए तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन और डालकर उसको सही कर सकते हो, गाढ़ा घोल बना सकते हो। इन सबको अच्छे तरीके से आप मिक्स करें। तो ये तैयार है। इसमें हल्का सा हम और पानी डालेंगे, बस हल्का हल्का पानी डालेंगे, जिससे ये ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना रहे। ये हमारा भवरा का मिक्सर तैयार है। अब हमारा तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका है, तो हम इसे चमचे से इसमें डालेंगे। और हल्का हल्का इसे फैला देंगे। हल्का हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये बर्तन में चिपके ना। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो अब हम इसे एक साइड हमारा ये सुनहरा हो गया है, तो अब वैसे ही दूसरी साइड भी हम इसको पलटकर सुनहरा करेंगे। अब ये हमारा, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये दोनों तरफ सुनहरा हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा भवरा तैयार है। ऐसे तो हम इसे स्नैक्स की तरह यूज कर सकते हैं, बट जहाँ की रेसिपी, जैसे मैंने कहा ये बिहार का है, तो बिहार में लोग इसे दाल चावल के बाद खाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, और हमारी और भी सारी सिंपल सिंपल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।